सब भी कैसा हो गया एकदम देख सकते हैं, पूरा धोआ गया पूरा, देखिए पूरा एकदम कैसा हो गया ना दोस्तों। और देखिए महुआ का डाली सब कितना मोटा मोटा डाली सब गिर गया है एकदम, चीटी एकदम रहती थी दोस्तों, इन लोग का घर पूरा उजड़ गया देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको पैर भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों आज देखिए रात में यानी कल शाम से दोस्तों इतना आंधी तूफान कि हम लोग का घर का हाल कैसा हो गया है दोस्तों एकदम देख सकते हैं एकदम। इधर भी देखिए कैसे एकदम, यहाँ देखिए कितना का एकदम, कितना गंदा कितना गर्दा एकदम, कचरा पूरा आके भर गया दोस्तों पूरा एकदम। और यहाँ देखिए पूरा धूल मिट्टी इतना हो गया कि पूरा कितना हो गया एकदम। ये तो घर का हाल है दोस्तों, इधर बाहर का हाल देखिए, इधर भी कैसा हो गया पूरा एकदम, दीवार सब पेढ़ा से लेके ये सब पूरा कैसा हो गया। मम्मी अभी उधर चली और देखिए पूरा ये चूल्हा को थोड़ा ढक के रखी थी इसलिए थोड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए एक मेमना इस तरफ है ठंडी के कारण ठिठर रही है, और एक मेमना देखिए कैसे चूल्हा का अंदर घुस के बैठी हुई है मज़ा से। थोड़ा चूल्हा में दोस्तों भीगा हुआ नहीं है तो उसको थोड़ा गर्म लगता होगा यानी गर्मी लगता होगा, इसलिए वो आराम से जाके बैठी हुई है। और इतना आंधी तूफान ना दोस्तों, काफ़ी घर का हाल ये था देख सकते हैं कैसा हो गया हम लोग का घर। और अभी चलते हैं दोस्तों भट्ठा का हाल दिखाएंगे, क्योंकि बारिश इतना हुआ कि अब भट्ठा भी दिखाएंगे, ईंट दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग का महुआ का पेड़ और भी पेड़ वो सब भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी खुशी मम्मी भी जाएगी अंदर में भी, देखिए कितना धूल मिट्टी हो गया है एकदम, काफ़ी ज़्यादा हो गया, देखिए पूरा एकदम पूरा इतना सकार गिरा है ना। तो चलिए झाड़ू करके चलिए उधर चलते हैं और देखते हैं महुआ की कितना बड़ा बड़ा डाली गिरा है। चलिए तो पूरा दोस्तों एकदम 2 kg तो धूले एकदम हो गया, इतना एकदम गर्दा गिरा है और अंदर से और भी अभी झाड़ू लगा के निकाल रही है। अभी देखिए अब बाहर में झाड़ू लगा रही है दोस्तों, और बाहर में भी देखिए कितना एकदम कचरा जमा हुआ है, इतना पत्ता सब धोल ये सब उड़ उड़ के इतना एकदम जमा हो गया है देखिए कितना पूरा एकदम। और बकरी सबको बाहर उधर ले गई थी चराने के लिए दादी, और अभी लेके आई है देखिए। और दोस्तों कटहल का डाली सब गिरा हुआ था तो रात में ही हम लोग अंदर किए थे, तो अभी बकरी सब खा रही है। और अभी बर्तन सब देखिए कैसे एकदम ठठा रंग पड़ा हुआ है, अभी वहाँ है पौधे की तरफ भी आधा लेके रखी है। और हम लोग दोस्तों भट्ठा सोच रहे थे पूरा एकदम बुझ जाएगा, लेकिन बुझा नहीं, लेकिन पूरा एकदम भीग गया था दोस्तों। तो चलिए थोड़ा ऊपर जा देखते हैं कैसा हुआ है, देखिए दोस्तों ऊपर में उधर पूरा भीगा हुआ है लेकिन बुझा नहीं। हम लोग तो काफ़ी एकदम चिंतित हो गए थे कि ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगा हम लोग का भट्ठा, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, सिर्फ आंधी और तूफान आया दोस्तों। और उस तरफ देखिए हम लोग का करौंज का एक पेड़ था वो गिर गया, और उधर दोस्तों महुआ का डाली सब भी गिरा हुआ है, तो अभी उधर भी चलते हैं, एकदम पूरा गिर गया है दोस्तों। और देखिए बकरी सब तो अभी उधर चर ही रही है, और मुनकी जी भी पूरा एकदम आंगन में साफ सफाई कर ली। कितना एकदम मिट्टी आया है दोस्तों देखिए, एकदम झाड़ू लगा के यहाँ एक गमला से ज़्यादा एकदम कचरा निकाल दिए, जमा कर दिए इतना ज़्यादा, ये गमला से भी ज़्यादा हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। देखिए कितना एकदम धूल मिट्टी के साथ एकदम पत्ता भी आया हुआ है, और उस तरफ बकरी सब तो चरी रही है, और मुर्गी सब भी दोस्तों देखिए कितना एकदम चाचा आ रही है इस तरफ भी है। चलो एक बकरी इधर है, ये एकदम 2 मेमना दिया है छोटा छोटा, ये सब चूल्हे में थी तो दादी अब चूल्हा जला रही है तो भगा दिए देखिए। और रात में हम लोग का खाना नहीं बना था दोस्तों बारिश के कारण, तो अभी दादी चूल्हा जला रही है और जल्दी ही अभी खाना बनेगा तो बनाएगी, काहे कि रात में बनाती दोस्तों, लेकिन बर्तन सब इतना गंदा हो गया था ना कि बनाई ही नहीं, लेकिन तो रात में भी बना सकती थी, लेकिन बर्तन भी पूरा गंदा, पावर भी नहीं था, और घर सब ऐसा हो गया था कि पूरा एकदम कचरा से पूरा भर गया था। चलो चुप चुप का कर रही है जा, तो अभी चलिए अधन देने के लिए, उसके लिए अभी जो हाँ जो डेकी है उसमें लेप लगा रही है, वो वाला बाद में फेंकेगी। तो चलिए अब हम बकरी सब को फूट देते हैं, चाय की इधर उधर पूरा अभी दौड़ने लगा, चलो चल उधर कहाँ तुम चली, चलो अपना अपना जगह चलो, हाँ चलो चलो अपना जगह चलो,
तो देखिए सब अपना अपना जगह चला, कैसे लड़ रही है एकदम एक साथ मिल के। क्या लड़ रहा है तुम लोग हैं? हैं हैं हैं, देखिए तीनों अभी लड़ रहा था दोस्तों, अभी पकड़े देखिए। क्या लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? तो सभी को अभी खूट दिए हैं, देखिए जो बड़ी बड़ी बकरी है वो सबको खूट दिए हैं, और एक इधर भी है, तो इन लोग को खूटे हैं दोस्तों। और छोटा छोटा जो है ये सब भी बड़ा ही है, लेकिन ये सब अभी आराम से पत्ता सब खा रहा है, तो ये सब को अभी छोड़ दिए, क्या कि ज़्यादा दौड़ती है वो सब, और ये सब उतना नहीं दौड़ती है, तो ये सब को छोड़ देते हैं। अभी खा रही है पत्ता, और अभी मुनकी जी अभी देखिए सब कचरा सब फेंक दी, और अभी दादी उधर अधन दे के बैठी हुई है। अभी हम लोग दोनों आ गए हैं भट्ठा की तरफ, और पानी की वजह से दोस्तों देखिए ये भट्ठा कैसा हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं मारा, नहीं तो हम लोग का भट्ठा पूरा एकदम धस जाता और बुझ भी जाता। और हवा इतना तेज था दोस्तों कि हम लोग का पोलोथीन पूरा है दोस्तों नीचे आके, ईंट सब भी कैसा हो गया एकदम, देख सकते हैं पूरा धोआ गया, पूरा देखिए पूरा एकदम कैसा हो गया, थोड़ा भी नहीं बचा दोस्तों, ये ईंट सब पूरा धोआ गया एकदम, पूरा खराब हो गया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सूखेगा सूखेगा उस टाइम सही होगा। पूरा दोस्तों देखिए ईंट सब पूरा भीग गया, इधर भी देखिए सब कैसे धोआ आ गया एकदम, ये सब भी ये तो बिना काम का हो गया क्या? पूरा दोस्तों। और ये प्लास्टिक बहुत ही अच्छा से ढक रखे थे, लेकिन इतना तेज आंधी तूफान था ना, किसी से बांध देते ना तारों से तब अच्छा रहता। हाँ तारों से बांध देने से अच्छा रहता। और ये तो ही था ही दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोग का एक करंज का पेड़ गिर गया आंधी के कारण, देखिए इतना बड़ा पेड़ एकदम गिर गया। इतना तेज एकदम हवाई चला था ना, उस तरफ भी देखिए कुसुम का डाली सब छोटा छोटा गिरा है, और यहाँ एक पेड़ हम लोग का गिर गया दोस्तों एकदम, इतना बड़ा पेड़। तो आ गए अभी महुआ का पेड़ के सामने दोस्तों, और देखिए महुआ का डाली सब कितना मोटा मोटा डाली सब गिर गया है एकदम, देखिए कैसा हो गया हम लोग का महुआ। हाँ ये बाबा समाप्त हो गया, अब हम लोग महुआ नहीं सुन पाएंगे। अब महुआ का चुनेंगे, डाली सब गिर गया पूरा, तो देखिए पूरा एकदम बर्बाद हो गया है दोस्तों। और उधर भी देखिए, उधर भी वो वाला पेड़ का भी डाली गिर गया है, और सोच रहे थे कि यही वाला ज़्यादा महो गिरता है, और यही वाला एकदम टूट गया देखिए वहाँ से, और यही वाला छोटा छोटा ही महो गिरता था, लेकिन इतना ज़्यादा महो गिरता था ना काफ़ी, लेकिन इसी का मतलब डाली सब टूट के गिर गया। और देखिए दोस्तों हम लोग के साथ प्रकृति भी किस तरह का खेल खेला, पूरा एकदम दो पेड़ गिर गया, तीन पेड़ गया, ऊला भी गिर गया, फिर करंज का पेड़ भी गिर गया, फिर महुआ का पेड़ भी गिर गया। हाँ तो हम लोग के साथ दोस्तों इंसान तो देखने ही नहीं सकता है, उसके साथ अब प्रकृति भी अब देखने नहीं सका, देखिए कितना आंधी तूफान आया कि हम लोग का ही पेड़ पौधा सब काफ़ी गिर गया, और अगल बगल में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं गिरा है, सिर्फ हम लोग का ही दो पेड़ गिरा है, और वो एक उधर छोटा सा डाली गिरा है, उसके बाद ये महुआ सब तो नहीं गिरा है, और इधर किसी का ऐसा पेड़ नहीं गिरा है दोस्तों। हम ही लोग का गिर गया कैसे पता है। हाँ तो महुआ का डाली देख लिए दोस्तों, और अभी आ गए हैं करंज का पेड़ का सामने, इधर ही आ गए हैं, और चलिए अभी दतुन तोड़ते हैं, और दतुन तोड़ के मुँह धोते हुए घर जाएंगे। देखिए काफ़ी अच्छा सॉलिड दतुन है, अभी तोड़ के ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? देखिए दोस्तों एकदम इतना बड़ा करंज का पेड़ था, और हम लोग सोच रहे थे कि ये वाला रहेगा तो कभी कभी दतुन करने के लिए अच्छा होता था, और अभी देखिए ये सब टूट के कैसे गिर गया। और यहाँ भी देखिए दोस्तों लाल चींटी एकदम रहती थी दोस्तों, इन लोग का घर पूरा उजड़ गया देख सकते हैं, देखिए काफ़ी एकदम रहती थी, और इन लोग का घर उजड़ गया देखिए। हाँ तो देखिए पूरा लाल चींटी रहती थी दोस्तों, सब डाली में चींटी अभी हो गई है, देखिए उधर भी एकदम पूरा, और इधर तो पूरा है एकदम। यहाँ हम लोग पेड़ जल्दी चढ़ नहीं पाते थे, इतना लाल चींटी थी, लेकिन अभी इन लोग का भी बसेरा एकदम पूरा उजड़ गया है, देखिए पूरा डाली सब में पूरा चींटी ही चींटी है। काची बोली इसको काट के हटाना पड़ेगा ना? हाँ ये सब हटाना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों
लाएंगे टांगी, उसके बाद काट काट के ये सबको हटाएंगे। तो चलो खाना वाना बनाएंगे क्या जी? हाँ, रात में तो इसे खाए नहीं, हम लोग सो गए बिना खाए। तो अभी घर आ गए हैं दोस्तों, और दादी देखिए चावल निकाल के अभी पोछर रही थी, तो खुशी मम्मी पोछर दे रही है, और अभी इधर हम लोग का आधान हो रहा है। और वो मुर्गा सबको दोस्तों अभी हम भगाए थे कि लड़ रहा है, लेकिन फिर जाके देखिए कैसे लड़ने लगा। चलो देखिए, तो ये को हटा दिए, देखिए कितना गुस्सा में अभी देख रहा है। इस दोनों लड़ रहा था एकदम। चलिए इसको दूसरे तरफ अपन ले जाते हैं, क्या कि दोनों अभी लड़ेगा तो पूरा इन लोग का मुंह कान सब खराब कर लेगा। चलो भागो उधर, जाओ फिर आएगा ना, अभी मारेंगे। देखिए अभी फिर आ रहा है, लग रहा है फिर लड़ेगा। वो बोला किधर गया है। अभी देखिए दोनों दादी नातिन दोनों अभी लगी है चावल पोछरने में, और मुर्गी सबको भी खिला रही है ऐसे, और आधान भी हम लोग का हो गया पूरा अच्छा से। अभी दोस्तों हम लोग का चावल बन गया है, और अभी सब्जी बन रहा है। और देखिए उधर पापा आम अभी गिरा हुआ था, वो ला के अभी खा रहे हैं, और इस तरफ दादी देखिए बाँट रही है आम, और पपीता सब गिरा था तो अभी निकाल के अभी दादी छीलेगी। तो अभी चलते हैं आम खाने, और आम का ही सब्जी बनेगा अभी। देखिए उधर काट रखी हुई है खुशी मम्मी, और गई है बर्तन साफ करने, और मम्मी देखिए आम खा रही है। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों खाना खा के पावर का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, और पावर का इंतज़ार करते करते एकदम इतना टाइम बीत गया दोस्तों। तो अभी जाके थोड़ा सा आया था, तभी दौड़ के फटाफट हम लोग पानी का व्यवस्था कर लिए दोस्तों, एकदम सभी डब्बा में पानी भर लिए हैं, और होदा भी पानी भर लिए हैं। पता नहीं आज फिर अभी आएगा कि नहीं आएगा पावर, तो फिर दिक्कत होगा, और वैसे भी मौसम अभी ख़राब कर रहा है, फिर चला जाएगा तो फिर चला ही जाएगा। हम लोग कहाँ से पानी लाएंगे? हाँ, इसीलिए पूरा एकदम कल भर के लिए पानी पूरा एकदम जमा कर लिए हैं, हाँ भर के रखे हैं। और अभी देखिए बर्तन साफ कर रही है, सुबह तो बर्तन साफ करते करते एकदम डेढ़ घंटा लग गया था, और बर्तन धो के रखे तो गंदा हो गया था, घर में तो काफी ज्यादा गंदा हो गया था। तो अभी देखिए दोस्तों बर्तन साफ कर रही है, और अभी हम चले थोड़ा नहाने दोस्तों, क्योंकि पानी है तो नहा लेते हैं फट से। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।